इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। क्या आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लोगों को सन 1921 तक कुछ पता ही नहीं था। इस सभ्यता की पहचान सर्वप्रथम 1921 में पंजाब क्षेत्र के हड़प्पा स्थल पर और फिर 1922 में सिंध क्षेत्र के सिंधु नदी के पास मोहनजोदारो में हुई थी। भारतीय उपमहाद्वीप में 100 साल में जो सबसे बड़ी खोज हुई, ये उनमें से एक थी। लेकिन आज इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहना सही नहीं होगा। हालांकि पहले सिंधु नदी के किनारे कई स्थान मिले थे, लेकिन बाद में घग्गर हाकड़ा नदी घाटी पर भी कई स्थान मिले। इसीलिए आर्कियोलॉजिस्ट इसे सिंधु घाटी के बजाय हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ये बदलाव पहले स्थान की पहचान हो जाने के बाद आया था। हड़प्पा सभ्यता 2000 से ज्यादा सालों तक फूली फली। इस दौरान उस युग में कई महान शहर बने जिनके बारे में हम कुछ ज्यादा नहीं जानते। आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर कुरुश दलाल ने हमें हड़प्पा सभ्यता के कुछ शहरों की सैर कराई, जिनसे हमें इन शहरों की सभ्यता के विभिन्न पहलुओं के बारे में दिलचस्प जानकारियां मिली। सबसे पहले हम गुजरात के लोथल चलते हैं। ये शहर शायद भारत का पहला बंदरगाह था, जो आज भी विश्व में सबसे पुराना बंदरगाह माना जाता है। लोथल प्राचीन काल में व्यापार का केंद्र हुआ करता था। यहाँ से पश्चिम एशिया और अफ्रीका में कीमती नगों और गहनों का व्यापार होता था। आम आदमी जब भी हड़प्पा संस्कृति के बारे में सुनता है या पढ़ता है तो सिर्फ हड़प्पा और मोहनजोदारो ये दो ठिकानों के नाम आते हैं। इनको छोड़ के बहुत सारे ऐसी पुरातत्व स्थान हैं हड़प्पा संस्कृति के जो भारत में भी है। ये भारत के जो संस्कृति के स्थान हैं, हड़प्पा संस्कृति के स्थान हैं, उनके बारे में हम आज थोड़ी ज़्यादा जानकारी देने वाले हैं। तो पहला स्थान जो है वो है लोथल का। कई लोगों ने शायद स्कूल में या कॉलेज में लोथल का नाम सुना है। गुजरात में एक छोटा सा पोर्ट साइट है जहां बहुत बड़ा कारोबार हुआ करता था मेसोपोटामिया से, शायद वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया से, पूरे गुजरात मकरान कोस्ट से और कच्छ से, और इस जगह का नाम था लोथल। लोथल एक बहुत ही अजीब शहर था। उनके जो एक्सकेवेटर थे डॉक्टर SR राव साहब का कहना है कि यहाँ एक बहुत बड़ा ड्राई डॉक मिला हुआ है जहाँ जहाज रिपेयर किए जाते थे और जहाज बनाए जाते थे। दूसरों का कहना है कि नहीं, ये जो बहुत बड़ा ईंटों का बना हुआ टैंक है वो एक वाटर स्टोरेज टैंक है और जहाज रखने के लिए या रिपेयर करने के लिए उनको ड्राई डॉक की उस समय में ज़रूरत नहीं थी। मगर जो भी है, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रिक स्ट्रक्चर्स। इतना बड़ा पक्की ईंटों का बना हुआ स्ट्रक्चर शायद पूरे हड़प्पा संस्कृति में कहीं भी नहीं है। उसको छोड़ के एक बहुत बड़ा वेयरहाउस था। इस वेयरहाउस में प्लेटफॉर्म्स थे, प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अलग अलग सामग्री के बंडल्स रखे जाते थे। अभी हमें ये कैसे मालूम है, तो ऐसा हुआ कि इस वेयरहाउस में एक बार आग लगी और वेयरहाउस का सामान जल गया और इसमें जो हड़प्पा संस्कृति के जो हमें सील्स मिलते हैं, इसके इम्प्रेशन वाले क्ले के ब्लॉक्स मिलते हैं, जब भी हम बंडल बनाते हैं उसे सूत से बांधते हैं तो उसके जो गांठ होते हैं उसके ऊपर हम सील लगाते हैं। आज भी ऐसे ही हम सील लगाते हैं, तो ऐसे वहां सील लगाए गए थे और 5 आइडेंटिकल सील के इम्प्रेशन जो सीलिंग कहे जाते हैं वो हमें वहां से प्राप्त हुए हैं। तो इसको छोड़ के हमें बहुत सारे बेरियल्स मिले हैं, नवकंकाल मिले हैं। एक बेरियल में 2 जनों का साथ में 2 बॉडीज साथ में मिले हैं, तो आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि शायद वो एक हस्बैंड वाइफ थे या ब्रदर सिस्टर थे जो साथ में मारे गए और या मर गए कोई कारण से और उनको साथ में दफनाया गया, तो बहुत सारे ऐसे अवशेष वहाँ मिलते हैं। फिर जो पर्शियन गल्फ, मतलब जो हम आज UAE, ओमान और इस एरिया को जानते हैं, वहाँ दिलमुन नाम का एक सिविलाइजेशन हुआ करता था, दिलमुन नाम की एक संस्कृति हुआ करती थी। और ये दिलमुन संस्कृति के जो अलग स्पेसिफिक टाइप के जो सील्स थे, जो राउंड पर्शियन गल्फ सील्स कहते हैं हम, वो भी एक प्राप्त हुआ है। और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट सबूत है
कि हमारा दिलमुन के एरिया से ट्रेड था और हमारे लोग यहाँ से वहाँ बोट से जाते थे। लोथल के बाद हम राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की तरफ चलते हैं, जहाँ हरप्पा के समय का कालीबंगा हुआ करता था। ये घग्गर नदी के तट पर स्थित है, जिसे वेदों में सरस्वती नदी कहा गया है। बहुत ही बड़ी एक साइट है कालीबंगन नाम के, वहाँ भी बहुत ही बड़ा उत्खनन किया गया लेट 1950s और अर्ली 1960s में। डॉक्टर बीबी लाल और डॉक्टर बीके थापर ने वहाँ जॉइंट एक्सकवेशंस किए। बहुत ही अजीब फैंटास्टिक साइट है। दो अलग अलग फोर्टिफाइड हिस्से हैं उसके, जिसे अपर टाउन और लोअर टाउन कहा जाता है, कालीबंगन वन और कालीबंगन टू। कालीबंगन वन के नीचे जो उसके पहले का जो फेज था, जो हड़प्पा के पहले अर्ली हड़प्पन जो कहते हैं, उसके भी अवशेष हमें वहाँ मिले हैं। यहाँ हमें पुराने में पुराना तंदूर मिला है, हमें एविडेंस मिला है कि इन लोग चिकन खाते थे। अलग अलग जौ गेहूँ वगैरह की खेती होती थी यहाँ, जहाँ आज पूरा रेगिस्तान है। और उसके साथ साथ हमें ये भी मालूम है कि केले के पौधे और पेड़ हुआ करते थे, क्योंकि मिट्टी के बर्तनों पे उनके पेंटिंग्स हमें पाए गए हैं। बहुत सारे तांबे के औजार हुआ करते थे, उसमें तीर भाले और कुराड़ हुआ करती थी। तांबे के सोने के जवेरात हुआ करते थे, बैंगल्स हुआ करते थे, कड़े हुआ करते थे, और बहुत सारे अलग अलग सेमी प्रेशियस स्टोन्स के बीड्स होते थे। उसमें कार्निलियन है, जैस्पर है, चैल्सिडोनी है, लैपिस लजुली है, इन अलग अलग प्रकार के बीड्स वगैरह भी मिलते थे। तो ये बहुत ही बड़ा एक सिटी था, और इस सिटी को हम कालीबंगन कहते हैं, क्योंकि जब पहले आर्कियोलॉजिस्ट वहाँ गए और लोकल लोगों ने उसको नाम दिया था, क्योंकि जुने जुने मृदभांड के जो टेराकोटा के बैंगल्स होते हैं, तो पकी हुई मिट्टी के जो बैंगल्स के फ्रैगमेंट्स होते हैं, बांगड़ियों के फ्रैगमेंट्स, वो धूप में काले हो जाते हैं और वो साइड पे बड़ी मात्रा में मिलते हैं। तो लोकल लोग इसे कालीबंगन के नाम से जाना करते थे, इस कारण से इस साइट का नाम हो गया कालीबंगन। यहाँ भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बहुत ही बढ़िया म्यूजियम है और बहुत ही बढ़िया साइट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें मिली है कालीबंगन के साइट से, हमें खेती के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो साइट के बाहर जब हम क्लियरेंस कर रहे थे, तो हल चलाने की निशानियाँ, और आज भी जैसे क्रॉस हल चलाते हैं, पहले एक दिशा में फिर दूसरी दिशा में, और दो अनाज एक साथ बोए जाते हैं, ऐसे ही उस जमाने में भी हल चलाया जाता था। और इसके जो ट्रैक्स थे, हल चलाने के जो निशान होते हैं मिट्टी में, वो आज तक बचे हुए हैं। कालीबंगा से हम हरियाणा के हिसार जिले में राखीगढ़ी चलते हैं। ये भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान माना जाता है। ये राखीगढ़ी की जो साइट है, इतनी बड़ी है कि इसका जो मेन माउंड है, उसके ऊपर दो दो गांव बसे हैं। सिर्फ एक टीले के ऊपर दो गांव बसे हैं, और ऐसे 7 टीले हैं वहां। और बहुत ही पुरानी यहाँ सभ्यता हुआ करती थी। हड़प्पा के पहले की भी जो प्री हड़प्पन पीरियड है, उसका भी एक टीला है। अर्ली हड़प्पन पीरियड के भी अवशेष है। फिर हड़प्पन पीरियड में तो बहुत ही बड़ी साइट थी यहाँ। मोहनजोदारो को छोड़ के राखीगढ़ी 2nd नंबर में आती है लार्जेस्ट साइट्स ऑफ द हड़प्पन पीरियड में। और उसके बाद हमारे पास लेट हड़प्पन पीरियड के भी जो डिक्लाइन फेज है, उसका भी एविडेंस है। यहाँ भी बहुत सारे एक्सकवेशंस और उत्खनन हुए हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उत्खनन किया है, डेक्कन कॉलेज पूना ने उत्खनन किया है। तो यहाँ डेक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर रोशन शिंदे और उनके टीम ने वहाँ उत्खनन किया, उन्हें भी बहुत बड़ा ग्रेवयार्ड मिला। और आज जब टेक्निक्स बहुत ही एडवांस्ड हो चुके हैं, उन्होंने बहुत ही केयरफुली, बहुत ही सैनिटाइज्ड सिचुएशन में एक्सकवेशन किया, और उन्होंने बोन्स कलेक्ट किए डीएनए एनालिसिस के लिए। और पहली बार पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पहली बार 4000 से ज़्यादा वर्ष पहले का डीएनए हमें प्राप्त हुआ है। इस डीएनए से हमें ये मालूम पड़ता है कि यहाँ के जो लोग हैं, हमारे जो भारतीय संस्कृति के लोग हैं, इस एरिया में वही लोग कम से कम 4 से 5 हज़ार साल पुराने
रहने वाले हैं, रहवासी हैं, और बहुत बड़ी हलबली मच चुकी है इसके ऊपर, बहुत सारी डिबेट हो रही है अभी, हम और ऐसे रिजल्ट्स के लिए रुके हुए हैं। भारत में अगर राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है तो धोलावीरा सबसे शानदार स्थल है। भुज के करीब 220 किलोमीटर दूर कच्छ के मध्य में धोलावीरा हड़प्पा काल का सबसे संरक्षित स्थान है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी जल प्रबंधन व्यवस्था है। तो धोलावीरा का जो साइट है वो रान ऑफ कच्छ जो है, आज उसमें सिर्फ पूरी सॉल्ट ही सॉल्ट हमें दिखती है। सॉल्ट का एक बहुत बड़ा मार्श है, एक रण है, इसके अंदर एक छोटा सा टापू है, एक बेट है जिसका नाम है खडीर, और खडीर की पश्चिम दिशा, पश्चिम भाग में एक साइट है, हड़प्पन साइट है, हड़प्पा संस्कृति की साइट है, जिसका नाम है धोलावीरा। धोलावीरा की साइट जब पहली मिली थी तो उसकी जो दीवारें हैं, पत्थर की दीवारें कुछ 10-11 मीटर ऊंची अभी भी दिख रही थी जमीन के ऊपर, टीला नहीं था ऐसा दिखने में, मगर बहुत ही बड़ी बड़ी दीवारें थी, तो लोगों को लगा कि ये एक मध्यकालीन साइट है, एक मध्ययुगीन साइट है मेडिवल पीरियड की, और उसे इग्नोर किया गया। 1970s में जगतपति जोशी जी जब यहाँ आए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से, और यहाँ उन्होंने बहुत सारा काम किया कच्छ में और सूरकोटड़ा साइट के एक्सकवेशन किए, तब उन्हें एक्सप्लोरेशन में मालूम पड़ा कि ये हड़प्पा संस्कृति की बहुत ही बड़ी अर्बन साइट है। डॉक्टर आर एस बिष्ट ने 90s में और अर्ली 2000s में यहाँ एक्सकवेशन किया, करीब कुछ 15 सालों के लिए यहाँ काम हुआ, पहले सर्वेइंग वर्क हुआ और उसके बाद एक्सकवेशन का काम हुआ, बहुत ही बड़ा एक्सकवेशन रहा यहाँ। डॉक्टर बिष्ट तभी स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी में थे, फिर वो डायरेक्टर एक्सप्लोरेशन एंड एक्सकवेशन ब्रांच में थे, और फाइनली वो जॉइंट डायरेक्टर होकर रिटायर हुए। यहाँ हमें धोलावीरा में जो मिला है तो एक दो हिस्सों वाला अपर टाउन है, जिसे कासल और बेली कहा जाता है। कासल में यहाँ के जो रूलर्स थे वो रहते थे, बाजू में बेली था, सामने एक छोटा रेक्टेंगुलर सेरेमोनियल ग्राउंड था, उसके सामने मिडिल टाउन था जहाँ सब कारीगर लोग और वर्कर लोग रहते थे, उसके गोल लोअर टाउन की बड़ी दीवारें थी। ये 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर का लोअर टाउन का स्क्वायर था, और इसमें बहुत ही बढ़िया वाटर मैनेजमेंट सिस्टम थी। तो हड़प्पा संस्कृति के टाइम में यहाँ आज के जैसे भी कम बारिश हुआ करती थी, मगर जब बारिश होती थी तो जोरों में बारिश होती थी, आज भी ऐसे ही होता है कच्छ में, जब बारिश होती है तो मार मार की बारिश होती है और फिर पानी सब बह जाता है रन में। तो ऐसे दो छोटी सी नदियां हैं, मानसर और मनहर, उसके बीच में साइट बनाई गई। पानी नदी में से बहते हुए आता था और एक छोटा सा डैम उसे लोअर टाउन के अंदर डाइवर्ट करता था। वहां छोटे छोटे कप्पों में जो ऐसे स्क्वेयर्स में लेआउट थे यू शेप में पूरे साइट पे, तो वन बाय वन ये रिजर्वर्स, छोटे छोटे रिजर्वर्स भरते जाते थे। कासल के पीछे के हिस्से में पत्थर के अंदर डीप रिजर्वर्स दो बनाए गए थे, और पत्थर काट के उस जमाने में सिर्फ तांबे के औजारों से पत्थर काट के ब्यूटीफुल एक डीप रिजर्वर बनाया गया था, ताकि बारिश हुए तो ये नदी डाइवर्ट होके पूरे ये एक लेक बना देगी बहुत बढ़िया, जिसके बीच में धोलावीरा है, और फिर दूसरी बाजू से वो पानी निकल जाएगा एक बार जब ये पूरा रिजर्वायर भर जाता है। तो ये जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है, इतनी बढ़िया वाटर मैनेजमेंट सिस्टम आज भी कच्छ में कहीं भी नहीं है। उस जमाने में आर्कियोलॉजिस्ट लोगों को लगता है कि करीब 50,000 से 1,00,000 लोग उस जमाने में एक ये शहर में रहा करते थे। ये जो कासल था उसमें लोग रहते थे, जहाँ यह रूलिंग क्लास थी उनका घर था। बाजू का जो एरिया था जो बेली कहते हैं एक्सकवेटर, उसमें 4,500 साल पहले का एसईजी था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, छोटे 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 कारखाने थे, कारीगर मिडिल टाउन से नॉर्दर्न गेटवे से कासल में एंट्री करके ही बेली में एंट्री कर सकते थे, और वहाँ अलग अलग बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ट्रेड की सामग्रियाँ थी, स्टैचूज थे, बैंगल्स थे, सील्स थे, उसके बाद जो चूना का काम हुआ करता था, चूना बनाने का, लाइम का वर्कशॉप था वो वहाँ था, साथ साथ में वहाँ बीड मैन्युफैक्चरिंग हुआ करता था सेमी प्रेशियस स्टोन्स का, और टेराकोटा के भी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे।
तो ये एक जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो आज हम कहते हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जोन जो कहते हैं, उस जमाने में भी ऐसा एक जोन यहाँ धोलावीरा में हुआ करता था। धोलावीरा में जब बारिश गिरती थी तब सिर्फ नदियों का पानी नहीं मगर उसके साथ साथ जो सिटी के ऊपर बारिश गिरता था वो भी डाइवर्ट होता था। बड़े बड़े ड्रेन्स थे, इंटरकनेक्टेड थे, और वो ड्रेन्स एग्जिट करते थे साइड के पीछे साइड के डीप रिजर्वायर में, ताकि एक भी बूंद पानी जो धोलावीरा पे गिरे वो वेस्ट, वो नष्ट ना हो जाए, और उसको सींच के रखे ताकि उसके बाद ये काम आए। तो ऐसी जो सिस्टम थी वाटर मैनेजमेंट की, इसके लिए धोलावीरा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो सिस्टम पूरी एक्सपोज की गई है एक्सकेवेटर्स से, आज भी आप जाके वो देख सकते हैं। एएसआई का साइट म्यूजियम है, बाजू में तोरण का बहुत ही ब्यूटीफुल गुजरात टूरिज्म का छोटा सा रिसोर्ट है, और ये बहुत ही देखने लायक साइट है। यहाँ स्टोन वर्किंग बहुत बड़े तादाद में हुआ करता था, और स्टोन के उन लोग डमरू शेप और राउंड शेप के पिलर मेंबर्स बनाते थे, और ये सैंडस्टोन की जो उनकी माइन थी जहाँ से उन लोग के निकालते थे वो भी आइडेंटिफाई हो चुकी है। वहाँ भी अनफिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड ब्लॉक्स हमें मिले हैं, और साथ साथ ऐसे ही ब्लॉक्स हमें हड़प्पा से और मोहनजोदड़ो से भी मिले हैं कि ये पत्थर के अलग अलग अवशेष जो धोलावीरा में बनते थे वो वहाँ तक एक्सपोर्ट हुआ करते थे। तो धोलावीरा की ये बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट है। 4500 BC से लेके करीब 1500 BC तक ये साइट रही। 3000 साल के लिए लोग यहाँ थे। 7 phases है, 7 stages कहते हैं एक्सकेवेटर। 2 pre-Harappan, 1 early Harappan, 2 mature Harappan, 1 late Harappan, और उसके बाद 1 post-Harappan फेज है। अब तक हमने हड़प्पा सभ्यता में जितने स्थानों के बारे में चर्चा की उसके अनुसार लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी और धोलावीरा बड़े शहर थे, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सभ्यता बलूचिस्तान और सिंध से लेकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों तक फैली हुई थी। यहाँ के कई स्थान गांव की तरह होते थे। अब हमने जो बात की अभी तक लोथल की, धोलावीरा की, कालीबंगन की और राहीगढ़ की, ये तो रहे बड़े बड़े शहर। उस जमाने में गांव में कैसे लोग रहते थे उसको समझने के लिए डेक्कन कॉलेज के डॉक्टर वीएस शिंदे, डॉक्टर वसंत शिंदे ने एक्सकेवेशन लिया पादरी नाम के एक छोटे से साइट पे जो भावनगर तहसील के तलाजा शहर के बाजू में है। तो तलाजा जैनों का एक बहुत ही पवित्र स्थान है, यहाँ जैन लोग अक्सर आया करते हैं पिलग्रिमेज पे। उनके बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं तलाजा के पहाड़ के ऊपर। तलाजा से 10 किलोमीटर दूर की दूरी पे गोहिलनी पादरी नाम का छोटा सा एक गांव है, और वहाँ से 2 किलोमीटर पे केरलानो ढोरो नाम का एक ढेरा है, एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। ये आर्कियोलॉजिकल साइट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्षत्रप काल में करीब 1800 साल पहले, 1700-1800 साल पहले भी लोग यहाँ रहते थे। उसके पहले लेट हड़प्पन पीरियड में करीब 1800 BC के आसपास, मतलब 3000 साल पहले भी लोग यहाँ रहते थे। उसके पहले मैच्योर हड़प्पन फेज में भी लोग यहाँ रहते थे। अब मैच्योर हड़प्पन फेज में हड़प्पा संस्कृति के लोग सौराष्ट्र में पहली बार आए, तो उसके पहले यहाँ के जो ऑटोक्थोनस लोग थे, यहाँ के जो स्थानीय ताम्रपाषाण लोग थे, उनके भी अवशेष नीचे मिले हैं, जिसे हम पादरी कल्चर कहते हैं, और इनके पादरी वेयर की पॉटरी हमें नीचे मिली है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है। यहाँ हमें बड़ा में बड़ा कॉपर का फिश हुक मिला है। उसके बाजू के ही रूम में हमें एक क्रूसिफिक्स कैटफिश नाम का प्राणी होता है पानी का। ये मछली 2 से 6 फुट लंबी होती है, और उसके जो सर की जो हड्डियाँ होती है, माथे की जो हड्डियाँ होती है, उसमें ऐसा दिखता है कि जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिक्शन का सीन है, तो उसे क्रूसिफिक्स कैटफिश कहते हैं। तो उसके भी स्कल्स हमें वहीं बाजू में मिले हैं। ये हमें कहते हैं कि यहाँ के लोग सिर्फ खेती नहीं करते थे मगर उन लोग फिशिंग भी करते थे। यहाँ लोग क्यों आते थे, ये गांव किस कारण से बसा था? यहाँ के जो समुद्र का किनारा है उसका स्लोप बहुत ही जेंटल है, और ये बहुत ही बढ़िया जगह है नमक की खेती करने के लिए। तो आज भी यहाँ नमक की खेती होती है, और हड़प्पा काल में भी यहाँ नमक की खेती हुआ करती थी। हड़प्पा सभ्यता में पाकिस्तान और भारत में कुल मिलाकर
1500 शहर हुआ करते थे, लेकिन हमने तो उनमें से सिर्फ 5 शहरों के बारे में बात की। अभी भी कई शहर हैं जिनको खोजा जाना अभी बाकी है, जबकि कई शहर तो जमींदोज हो चुके हैं। लोथल और कालीबंगन के संग्रहालय में वहां से मिली कलाकृतियां रखी हुई हैं। 3000 से 1700 ईसा पूर्व के दौरान सभ्यता अपने चरम पर थी, लेकिन नदियों की दिशा बदलने और प्राकृतिक आपदाओं की वजह से हरप्पा के समय के शहर और गांव तबाह हो गए। इन स्थानों की खुदाई से उस समय के लोगों के बारे में जानकारियां मिलने में मदद मिली है, लेकिन अब भी बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें लेकर शोध जारी है।